ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स में से एक है लिवर, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन कंपोनेंट भी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में दिन रात काम करता रहता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ज्यादा अल्कोहल यानी शराब पीने के कारण आपका लिवर डैमेज हो सकता है, जो कि सही भी है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं है जो लिवर को डैमेज करता है, बल्कि और भी कई सारे रीजंस और फैक्टर्स है लिवर के डैमेज होने के पीछे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किन कारणों से हमारा लिवर हमारे बढ़ती उम्र के साथ डैमेज होते जा रहा है, जिसका पता हमें तब तक नहीं चलता जब तक कोई मेजर प्रॉब्लम या बीमारी आपको हॉस्पिटलाइज्ड ना कर दे, और बहुत सारे लोगों को इसका पता तब चलता है जब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि लिवर अपने आप को दोबारा से रीजेनरेट कर सकता है। लेकिन कैसे लिवर को नेचुरली वापस से नॉर्मल किया जा सकता है, वो भी बिना किसी मेडिकेशन यानी दवाई के, और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो लीवर को वापस ठीक करने के लिए मददगार साबित होते हैं, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे। सो आपका लीवर आपके राइट साइड में पसलियों के ठीक नीचे मौजूद होता है, जो किसी मशीन की तरह दिन रात काम करता रहता है। यह आपके खाने में मौजूद न्यूट्रिशंस जैसे विटामिंस और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करके टॉक्सिक चीजें जैसे कि शराब, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पोल्यूशन और कोलेस्टेरॉल को अलग करता है। इसी के साथ ये आपके खून में मौजूद सारे टॉक्सिक चीजों को साफ करके बॉडी में खून को साफ करने का काम करता है। जब भी आप शराब या वैसे ही कुछ टॉक्सिक चीजों का सेवन करते हो तो वो लीवर ही है जो इन सारे चीजों को आपके खून से अलग करके खून को साफ करने का काम करता है। लेकिन इस प्रोसेस में लीवर के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए जो लोग हर दिन शराब या वैसे ही चीजों को कंज्यूम करते हैं तो लीवर के कुछ कुछ सेल्स हर बार खराब होते जाते हैं, और एक टाइम पर आके लीवर डैमेज या सिरोसिस जैसे सिचुएशन बन जाती है। इसी के साथ लीवर का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त का प्रोडक्शन करना। जब भी आप खाना खाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता है। इसी रास्ते में लीवर इस बाइल जूस को ड्रॉप करता है, जिससे हमारा खाना ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होता है, और लीवर इस जूस को इस छोटे से बैग में स्टोर करके रखता है आपके अगले खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो जैसे शराब पीने से लीवर को अपनी कुछ सेल्स को मार के आपका ब्लड क्लीन करना पड़ता है, वैसे ही और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके लीवर को हर दिन डैमेज करती आ रही है, वेल इसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता लगेगा। लेकिन फिलहाल वो कौन कौन से साइंस है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका लीवर आपको कुछ हिंट्स देने की कोशिश कर रहा है, यानी अर्ली साइंस। सो जैसा कि हमने आपको बताया कि लीवर डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए बाइल प्रोड्यूस करता है, और इसी बाइल जूस और हीमोग्लोबिन से बनता है बिलिरुबिन। लेकिन जब लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर पाता तो यही बिलिरुबिन हमारे खून में अब्सॉर्ब होके हमारे स्किन और आंखों को एक येलोइश कलर देता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में जॉन्डिस भी कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर आपके खून में मौजूद इसी बढ़ते हुए बिलिरुबिन को देख के ये बता सकते हैं कि आपका लीवर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। सो अगर स्किन या आंखों की कलर येलोइश कलर की हो रही है तो इसका मतलब कि आपके लीवर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और आपको फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 2, थकान। हम में से बहुतों को कभी ना कभी थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन जब इसकी वजह आपका लीवर खुद हो तो ये थकान बिल्कुल अलग तरह की हो सकती है। इमेजिन करिए कि हर समय आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि आपको एक झपकी लेने का मन कर रहा है, नो मैटर कि आप पूरे दिन में कितने घंटे ही सोकर उठे हो, लेकिन ये थकान हर वक्त आपको महसूस होती रहेगी, जैसे कि आपके बॉडी में कोई खासा एनर्जी की कमी आ गई हो। इसके पीछे का जो रीजन है वो कुछ इस तरह का है। हमारे लीवर में ग्लाइकोजन नाम का एक शुगर स्टोर्ड होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर शरीर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब लीवर थोड़ा भी डैमेज होता है तो ये ग्लाइकोजन रिलीज नहीं कर पाता, जिससे हमें पूरे दिन थकावट होती रहती है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको या आपके आसपास मौजूद किसी को भी हो रहा है, जिसमें रेस्ट लेने के बाद भी शरीर थका हुआ महसूस करता है, तो शायद यहाँ आपकी बॉडी आपसे कहना चाह रही हो कि उसे आपकी जरूरत है, और जल्दी ही एक लिवर टेस्ट करके आप इसका पता लगा सकते हो। साइन नंबर 3,
इचिंग। हम सभी को खासकर गर्मियों के मौसम में बॉडी के अलग अलग हिस्सों में इचिंग तो होती ही है, राइट? लेकिन अगर ये इचिंग के पैटर्न्स कुछ इस तरह दिखाई दे तो समझ लीजिए कि लिवर आपको ये सिग्नल दे रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल हमारा लिवर हमारे स्किन के हेल्थ को भी दर्शाता है, और जब भी ये ठीक तरह से काम नहीं करता तो जो बाइल जूसेस ये रिलीज करता है वो हमारे ब्लड में घुलना शुरू हो जाती है, जिसमें एक तरह का सॉल्ट मौजूद होता है जिसे बाइल सॉल्ट कहा जाता है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब लिवर डैमेज होना शुरू होता है तो यही सॉल्ट स्किन में अब्सॉर्ब होके ऐसे धब्बे या सॉकेट्स की वजह बनते हैं। साइन नंबर 4, डार्क यूरिन। आप में से बहुतों को शायद ये सुन के थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब बात आपके सेहत की हो तो अपने यूरिन पर नजर रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली यूरिन का कलर हल्का येलो होता है, लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा डार्क कलर में पास होने लगे तो शायद आपका लिवर आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर डार्क यूरिन डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, लेकिन कई बार इसका मतलब है कि आपका लिवर बिलीरुबिन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसमें परेशान होने जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि बॉडी रिहाइड्रेशन में भी यूरिन डार्क कलर का हो सकता है, लेकिन ये अर्ली साइन भी हो सकता है। और अगर आप कॉन्स्टेंटली डार्क यूरिन पास कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लिवर टेस्ट जरूर करिए। साइन नंबर 5, स्टूल कलर। क्या आप ये जानते हैं कि आपके स्टूल का कलर आपके ओवरऑल हेल्थ एंड आपके लिवर के हेल्थ के बारे में बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दे सकता है? नॉर्मली स्टूल का ब्राउन कलर बिलीरुबिन के वजह से होता है, जो ऑफ कोर्स लिवर में प्रोड्यूस होती है, जिसमें लिवर आमतौर पर बिलीरुबिन को प्रोसेस करके आपके स्टूल को ब्राउन कलर का बनाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम आपके लिवर में ही होने लगती है तो ये बिलीरुबिन को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे स्टूल कुछ ऐसे कलर का हो जाता है। और ये एक ऐसा साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका लिवर ठीक तरह से काम कर नहीं पा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जिससे आपका लिवर धीरे धीरे खराब होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल्स, फ्राइड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, रेड मीट, स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्वीट प्रोडक्ट्स जैसे कैंडीज, आइसक्रीम, केक्स, या जिसमें भी रिफाइंड शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें हमारे कई सारे इंडियन स्वीट्स भी शामिल है, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बनता, जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और फ्लेवर्स होते हैं। इसी के साथ अल्कोहल एंड सॉल्टी या नमकीन स्नैक्स, जितने भी फास्ट फूड्स या हैवी डीप फ्राइड ऑयल लोडेड फूड्स आप कंज्यूम करते हो तो आपके लिवर में जरूरत से ज्यादा लोड पड़ता है। उस ऑयल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करके न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन विटामिन्स को अलग करने में, और लिस्ट के सारे ही प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐसा ही होता है। सो आपको जरूर ये ध्यान देना होगा कि नेक्स्ट टाइम आप इन सारे फूड आइटम से थोड़ी दूरी बना के रखिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हेल्दी अल्टरनेटिव्स मौजूद है जिन्हें खाने से लिवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ये फूड्स आपके लिवर के हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है। नंबर 1, गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन में मौजूद एलिसिन एंड सल्फर लिवर में मौजूद एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद करती है, जिससे लिवर बॉडी में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिंस और केमिकल्स को आसानी से डिटॉक्स करता है। और हर दिन 1 या 2 मिनिमम साइज लहसुन की कलियां खाने से आपका लिवर हमेशा हेल्दी बना रहता है। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा लहसुन खा लेने से आपका लिवर ठीक होने के ऑपोजिट इस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड पेशेंट को सिर्फ आधा गार्लिक ही खाना चाहिए। जिनको हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें गार्लिक खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 2, कॉफी। बिना चीनी या दूध के 2 कप कॉफी हर दिन पीने से फैटी लिवर डिजीज को नेचुरली क्योर किया जा सकता है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। नंबर 3, पम्पकिन यानी कद्दू। पम्पकिन में विटामिन डी मौजूद होता है, जो कि लिवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं कैसे नेचुरली आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। सो नेचर जर्नल की स्टडी के अनुसार लिवर एंजाइम्स का हाई लेवल अक्सर लिवर की प्रॉब्लम्स या बीमारी का संकेत देता है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से लिवर एंजाइम्स कम हो सकते हैं, जो लिवर के हेल्थ में सुधार का इंडिकेशन होता है, जो लिवर के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन कम होता है। आंसर
इज फास्टिंग। इसी के साथ जूस क्लींजिंग के मदद से लिवर को डिटॉक्स किया जा सकता है, जिसे जूस फास्ट भी कहा जाता है। ये एक डिटॉक्स डाइट होता है जिसमें 3 दिनों तक सिर्फ कच्ची सब्जियां और फलों का रस पीना होता है, जिसमें बॉडी के अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भर जाती है जो लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। इसी तरह 14 से 18 घंटे फास्टिंग करके आप लिवर को दोबारा से रीजनरेट या लिवर के डैमेज टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हो। सो ये थे लिवर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।